हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप, कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो दोस्तों, आपने यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी रिलेटेड टू अपकमिंग टाटा ब्लैकबर्ड के बारे में। ये नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है टाटा की हिस्ट्री में, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और टाटा ब्लैकबर्ड से रिलेटेड काफ़ी सारे कन्फ्यूजन भी हमारे मन में है। तो उन सभी कन्फ्यूजन को सॉल्व करने के लिए आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं टाटा ब्लैकबर्ड था क्या। एक चाइनीज़ कार ब्रांड है जिसका नाम है चेरी और इंडिया में बहुत ही जल्दी एंट्री भी करने वाले थे। अब यहाँ पर टाटा एंड चेरी का प्लान कुछ ऐसा था कि कोलैबोरेट करके एक नई गाड़ी को लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा टाटा ब्लैकबर्ड, जैसे टोयोटा एंड मारुति कोलैबोरेट करते हैं या फिर स्कोडा एंड फोक्सवैगन कोलैबोरेट करके नई गाड़ियाँ लॉन्च करते हैं। तो ऐसे ही टाटा ने भी चेरी के साथ हाथ मिला लिया था। तो सबसे पहले समझते हैं कि टाटा को ऐसी क्या नीड थी कि उन्हें कोलैबोरेट करके काम करना पड़ा। सबसे पहले दोस्तों, हम जानते हैं कि टाटा के इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें बस तीन ही प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जाता है, जिसमें पहला नाम आता है अल्फा, जिसमें अल्ट्रोस एंड पंच जैसी गाड़ियाँ बनाई जाती हैं। दूसरा है X1 यानी कि जिसमें टाटा नेक्सन जैसी गाड़ियाँ बनाई जाती हैं। और तीसरा जो प्लेटफॉर्म है वो है ओमेगा ARC यानी कि आर्क प्लेटफॉर्म, जिसमें टाटा हैरियर एंड सफारी जैसी गाड़ियाँ बनाई जाती हैं। अब टाटा को यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी टाटा ब्लैकबर्ड को बनाने के लिए, उसमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जो उसमें फिक्स हो सके। अब यहाँ पर अगर अल्फा को फिट करने के लिए अगर उसे स्ट्रेच करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं, तो वो थोड़ा सा वीक पड़ जाएगा और मतलब स्टेबिलिटी वगैरह में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। और ऑल ओवर अगर देखा जाए तो यहाँ पर बात नहीं बन रही थी। वहीं दूसरी तरफ ओमेगा आर्क के प्लेटफॉर्म को भी यूज़ करके एक बार ट्राई ज़रूर किया, लेकिन अगर उसे छोटा करते हैं तो वो फिट तो बैठ जाता है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते ही हैं जो ओमेगा आर प्लेटफॉर्म है वो लैंड रोवर का है, और अगर उसे फिट कर भी देते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, जिससे या तो गाड़ी के रेट हाई हो जाते हैं या फिर टाटा को लॉस झेलना पड़ सकता है। और इसीलिए टाटा मोटर्स ने चेरी के साथ हाथ मिला करके कोलैबोरेट करके गाड़ी बनाने का फैसला लिया। लेकिन समस्या यहीं पर ही शुरू होती है, तभी इंडिया में कोरोना वेव आ जाती है, यानी कि जो कोरोना काल है वो शुरू हो जाता है और इंडिया एंड चाइना के बीच में काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट पर काफ़ी हद तक रोक लगा देती है, उन्हें स्लो कर देती है। और इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से जो टाटा मोटर्स एंड चेरी के बीच में कोलैबोरेशन करके जो गाड़ी लॉन्च करने का प्लान था वो फुल्ली फ्लॉप हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, टाटा का तो अभी भी तलाश थी एक ऐसी गाड़ी की जो हुंडई क्रेटा एंड किया सेल्टोस के सेगमेंट में तबाही मचा दी। तो टाटा ने नेक्सन के ही प्लेटफॉर्म में हल्के फुल्के मॉडिफिकेशन करके अपडेट करके इसे एक बड़ी SUV के प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब प्लेटफॉर्म बन गया तो गाड़ी भी बन गई, गाड़ी भी ऐसी बनाई जो मुड़ के ज़रूर देखोगे। अगर आपने रोड पर एक बार देख ली तो आपको लत लग जाएगी, आप मुड़ के उस गाड़ी को ज़रूर देखोगे। इस गाड़ी में आपको क्या कुछ मिलता है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। अब इस न्यू गाड़ी में आपको साइज़ नेक्सॉन से बड़ा मिलता है, डायमेंशन बड़ी मिलती है, फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं, आपको जो लुक्स है वो काफ़ी हद तक फ्यूचरिस्टिक सी मिलती है और फीचर्स पूरे भर भर के मिलते हैं, इंजन भी आपको तगड़ा मिलता है और इस गाड़ी का नाम है टाटा कर्व। जी हाँ दोस्तों, मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये एक EV गाड़ी रहने वाली है जो टाटा की तरफ से फ्यूचर में कभी लॉन्च होगी, यानी कि 2023-24 तक लॉन्च होगी। लेकिन ये बात भी पक्की है कि EV के बाद इस गाड़ी में पेट्रोल एंड डीजल का इंजन ऑप्शन भी ज़रूर मिलेगा। प्रूफ के तौर पर अगर मैं आपको एक बात नोटिस कराऊं, आप ही मुझे बताइए टाटा की ऐसी कौन सी गाड़ी है जो इलेक्ट्रिक में काउंट होती है लेकिन पेट्रोल एंड डीजल में नहीं आती। फिर आप चाहे टाटा टियागो की बात कर लीजिए या फिर टिगोर EV की बात कर लीजिए या फिर टाटा नेक्सॉन की बात कर लीजिए, EV एंड पेट्रोल डीजल दोनों ऑप्शन के साथ आपको मिलती है। तो यहाँ पर भी टाटा की यही प्लानिंग है कि टाटा कर्व को पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पर लॉन्च करेंगे, जो कि 2023-24 तक लॉन्च हो जाएगी, यानी कि 2023 के एंड तक लॉन्च हो जाएगी, और उसके बाद 2024 के शुरुआती दिनों में या फिर मिड तक इस गाड़ी को पेट्रोल एंड डीजल इंजन ऑप्शन के साथ भी इंडियन मार्केट में उतार दिया जाएगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है हमारी कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक कम हो गई है। फीचर्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप सब जानते हैं इस सेगमेंट में जो किंग है वो है क्रेटा एंड किया सेल्टोस, जिसमें आपको भर भर के बेस मॉडल से ही फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर टाटा अप टू डेट रहने वाले हैं फीचर्स के मामले में भी, यानी कि फीचर्स की लिस्ट काफ़ी लंबी रहने वाली है, जिसमें से मैं आपको गिने चुने फीचर्स की अगर हम बात करें, पैनोरामिक सनरूफ, कारप्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कवरिंग कैमरा, एडास जैसे फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिलने वाले हैं जो कि काया पलट कर देंगे इस पूरे सेगमेंट की। इंजन ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको पेट्रोल एंड डीजल के दोनों इंजन ऑप्शन मिल जाएंगे, 1.5 लीटर की आपको मिलेंगे और यहाँ पर आपको मैनुअल ऑटोमेटिक सभी ऑप्शंस आपको मिलेंगे। बाकी अगर हम प्राइस की बात करें तो अगर इसके सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो 11 लाख से
18 लाख तक के इसके प्राइस रखे जाएंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 लाख तक इसके प्राइस जाने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए।